500 meters above the sea level. हेलो जुले तेजी दिलाएं, वेलकम बैक टू माय चैनल टेंडर शॉन व्लॉग्स। और आज हम करने वाले हैं साच पास की चढ़ाई। अभी बज चुका है 7 o'clock सुबह के, और 7:30 या 8 के आसपास हम निकलेंगे यहाँ से साच पास को। सब लोग उठ गए, सारे राइडर्स उठ गए। यहाँ पे देखो अपना बहुत सा क्यूटी, इसका नाम है ब्लैकी, ठीक है ना, इतना क्यूटी है। कल शाम को बड़ा मजा आया था इसके साथ। क्या चल रहा है छवांग, अपने आप से बात कर रहे तू? अपना छोटे भी आ गया है। प्लान बता रहा हूँ। तो अभी बस हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता पैक करके अपना सफ़र में निकल जाएंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अच्छा से नहीं दिखेगा, वो वाला पहाड़ है, हम सफर क्या हरा वाला, उसके पीछे में एक और पहाड़ है, तो वहाँ पर हम जाएंगे साच पास। आगे से बिल्कुल राइट है साच पास, तो कांट वेट, क्योंकि इसी के लिए मैं आया था। तो सीधा आपको नाश्ता खा के मिलता हूँ। बस अभी हम सब लोग यहाँ पे अपना इंजन को कोल्ड स्टार्ट करते हुए, क्योंकि अभी हम काफ़ी हमेशा कोल्ड स्टार्ट करने चाहिए सुबह सुबह, बट सर्दी इलाके में ज़्यादा जरूरी रहता है। ये देखो अपना हिमाचली मामे, नाम चेंज कर दिया, बोला भी नहीं क्या किया, टेम्पा कैन व्लॉग। ओके आ गया अपना टेम्पा कैन व्लॉग, अपना आ गया चावन दा व्लॉग। ओ भाई सब्सक्राइब कर दे, ओ भाई वो देख तो सबका बाइक हो रहा है अपना गरम, और ये बस साच पास के लिए रेडी हो रहा है। हम लोग मोटा मोटा कपड़ा पहन लिया हमने, क्योंकि आगे काफ़ी ठंड होने वाला है। हुए वाला यू टर्न मारते हैं गाइस, आई एम फकिंग वेरी एक्साइटेड एंड लिटिल बिट नर्वस ऑल्सो, बट कल बहुत राइड किया है यहाँ पर हिमाचल में। चलता कल का राइड करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया मुझे, बट स्टिल आगे जो आने वाला है वो पता नहीं। तो भाई जाना सबसे आगे निकल रहा अपना दुकान लोग, और उसके पीछे हूँ मैं, मेरे पीछे जो तो नाम क्या ही सकती भी होगा, क्या ही सकती भी होगा। रिकॉर्डिंग कैसे रिकॉर्डिंग वो है, क्या मस्त रोड है गाइस। Here we go. Look at this mountain. क्या माउंटेन को तराशा है, देखो माउंटेन को तराश के रोड बनाया है, और नीचे बिल्कुल खाई है, नीचे पूरा खाई है भाई, पूरा खाई है। इधर करेंगे हम वेट, फाइनली वो वहां से आ रहे हैं बाइक पे। अपना हिमालयन राइडर्स आ गए हैं ब्रेक को ठीक करके, और अपना सफर वापस शुरू। ओ भाई नेचुरल वाटरफॉल, भाई नेचुरल वाटरफॉल, भाई यार टाइम होता था यहाँ पर घूमता हूँ भाई करें। ये वाला था वो थोड़ा सा एडवेंचर लगा ना, हाँ मजा आ गया थोड़ा सा, मैं बोला एडवेंचर
पतला वाला बजरी है, इसमें कुछ नहीं। हमारा तीनों बाइक स्क्रैम्बलर हिमालयन और होंडा, तीनों ने अभी तक धोखा नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। हिमालयन का ब्रेक पैड टाइट कर रहा था, उससे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया उन्होंने बस। तो गाइस अभी हम बिल्कुल बैरागढ़ पहुंच गए हैं और आगे में है अपना पुलिस चेक पोस्ट होगा, वहां पे हमको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा और उसके बाद हम ताज पास के लिए जाने का हमारा परमिशन हो जाएगा। तो ये अपना बैरागढ़ ब्यूटीफुल टाउन, क्या ही टाउन है, क्या ही टाउन है। पुलिस चेक पोस्ट के पास जाने नहीं देते, मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स देखा है यूट्यूब में, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, अगर उसका टाइमिंग गलत होगा ना तो वहाँ पे कभी कुछ भी हो सकता है, क्या कहते हैं उनका नाम क्या है, आस पास में, तो कभी कभी वहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाता है या कुछ सिक्योरिटी इशू हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको जाने नहीं देते। होपफुली हमारा अगर अच्छा हो और पुलिस वाले हमको जाने दें, सिक्योरिटी को वो है। सो गाइस यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी चेक पोस्ट है एंड इधर में हमको एंट्री करना पड़ेगा। जल्दीबाजी के चक्कर में हमने ग्लव्स भी नहीं पहना, आगे मैं ग्लव्स पहन लूँगा था। क्या ही पहाड़ को तराश के बनाया रोड, is late now. अभी हम लोग चेक पोस्ट को पास करके यहाँ पे आगे लगभग 10-15 मिनट चलाया है और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। तो गाइस यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर आस पास और यहाँ पे हमारा तीनों बाइक आ चुका है, स्क्रैम्बलर, होंडा हाइनेस एंड हिमालयन। तो आपने हिमालयन तो काफ़ी देखा होगा आस पास जाते हुए, होंडा हाइनेस और स्क्रैम्बलर शायद पहला बाइक होगा जो आस पास जाने वाला है। तो ये दोनों BS6 मॉडल है, तो देखते हैं कि मतलब ये चढ़ाई में कैसा चलेगा, जो हाई अल्टीट्यूड में ये स्क्रैम्बलर असली में जो चढ़ाई चढ़ सकता है कि नहीं और जो मेरा राइडिंग स्किल इनफ है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा। भाई ये क्या ही मस्त रोड बनाए हैं लोग, अच्छा रोड बनाए हैं यहाँ पे। पहले मेरा आइडिया से यहाँ पे पूरा ऑफ रोड हुआ कर रहा था तो, बट अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत रोड है, आई मीन अच्छा रोड है और बिल्कुल जंगल के अंदर से निकल रहे हैं हम पहाड़ों के ऊपर, जंगल के पास। देखो कौन अपने शहर आया यार, तो वो है तो ये इंडिया का फर्स्ट स्क्रैम्बलर होगा जो साच पास जा रहा है, साच पास जा रहा स्वादु। तो अभी हम पहुंच गए हैं इधर पे अपना बाइक्स जो जो, यह क्या ही व्यू है गाइस, ये एक्सपीरियंस मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, जो मुझे एक्सपीरियंस होता है शायद ये वीडियो भी जस्टिस नहीं करेगा। बोलना ठंडा ठंडा हवा ग्लव्स के आर पार जाते हुए लग रहा,
look at those snow mountains and sorry वो देखिए जो बर्फ नहीं है पहाड़ का बर्फ मतलब ग्लेशियर क्या मस्त लग रहा है दिखने में आसान है भाई पत्थर बहुत बड़ा बड़ा है गोप्रो में शायद आपको तो पता नहीं चल रहा होगा बट काफी खतरनाक हो रहा होगा और बारिश आता ना बहुत ये रोड बन जाता डेडली रोड हमारे जिस तरह से बारिश हुई नहीं है तो कोई आगे भी ना है मजा आ गया यार कसम है उधर देखो उधर जा सकते हैं गाइस आपको ये चीज दिखाते हैं लाल बत्ती जल रहे हैं ब्लिंक कर रहा ना तो ये देखो भाई ओ भाई क्या इस तक से यार इसको आगे नहीं आता मैं समझ गया You have to be very careful while riding here. काफी careful रहना पड़ता है आपको क्योंकि What the fuck? Let's go, भाई पहली बार में चढ़ा दिया था भाई ने मैंने अंदर चढ़ जाता स्लो स्लो में मुझे अपना मोमेंटम बनाना पड़ता है तो विमान में थोड़ा आगे रहता है बहुत खतरनाक हो थोड़ा बहुत चढ़ के चलाते हैं देखते क्या होता है चढ़ के चलाएगा ना आपको पता नहीं चलता बोलते पत्थर करे पथरीला इलाका ये तो ओ भाई बर्फ 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 पानी पे वाटर क्रॉसिंग होगा
beautiful love. Boy, bara foot ka barf, boy, bara foot ka barf. Look at this mountain. तो गाइस यहाँ से वाटर क्रॉसिंग एंड वाटरफॉल का सिलसिला चालू भी देख सकते हैं आप। वाटरफॉल क्या मस्त सुंदर लग रहा है। हमको बिल्कुल उधर से बिल्कुल राइट जाना है। यहाँ पे आदमी लोग फोटोशूट चल रहा है इनका। देखो भाई एक वाटरफॉल खत्म हो रहा है दूसरा वाटरफॉल शुरू हो रहा है। क्या ही बताऊँ मैं। मेंटेन द स्पीड, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। अगर ये वाटर पूरा अगर पानी से भरा रहेगा तो काफ़ी टफ रहना है ये। पर पूरा पानी नहीं है यहाँ पे तो उसका एडवांटेज है। ओ भाई वाटरफॉल पूरा मेरा आंख आ रहा है। व्हाट अ फकिंग ब्यूटीफुल वाटरफॉल। तो यहाँ पे हम शहर अपना ये ब्रेकफास्ट पॉइंट है और यहाँ पे हम शहर अपना फाइन स्नैक्स खाएंगे। सो गाइस हम लोग साँच पास का जो सबसे एंड का जो क्या कहते हैं ढाबा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट पॉइंट वहाँ पे है। और यहाँ पे हमने बाइक अपना पार्क कर दिया और अभी हम चाय वाय पियेंगे। बाइक कितना डर्टी लग रहा है भाई। डर्टी बाइक इज द बेस्ट बाइक। ये बाइक बना है डर्ट के लिए पता है। पूरा जितना डर्ट होगा उतना खूबसूरत लग रहा है अपना बाइक। बिस्कुट यहाँ की ठंडे एरिया में सबसे बेहतरीन और इसमें शुगर क्वालिटी की आपको जो बॉडी में ना यह हाई एटीट्यूड में बहुत हेल्प करेगा तो इसे खाइए। और पुरानी जो यहाँ जो गांव में रहते हैं उन्हें काफ़ी पसंद होंगे ये कोकोनट बिस्कुट। तो मुझे तो काफ़ी पसंद है। अपना चाय भी रेडी हो चुका है। चलो पीस आने चाहिए आपको भी काम होना चाहिए। पीते चाय की चाय पीते हैं भाई की चाय। पीते चाय की चुस्की साँच पास में खुल गया बोलना। कान आंख सब खुल गया। ऐसा मीठा है ऐसा कड़क है बोलना। चलो ठीक है अभी मौसम अचानक से बदल गया गाइस। अभी बिल्कुल धूप था अचानक से बादल आ गया है और बारिश आने का भी आसार है। तो देखते हैं बारिश ना आएगा तो अच्छा है। आएगा तो इसलिए हम जल्दी जल्दी ऊपर जाके साँच पास के जो मेन जगह पे जाके फिर आके हम फोटो खींचते हैं। ब्लॉग कर नहीं रहे लेकिन नहीं तो ब्लॉगर की आज की कमी आज की डेट में बहुत ज्यादा है। ब्लॉगर क्या करें यार क्या करें ऐसा दूर तीन कंटेंट पैसा ही पैसा हो गया। क्यों पिलियन पिलियन बन के कैसा लग रहा है आपको भाई। पिलियन बन के ऐसा कुछ फील हो रहा है कि मेरे जब मतलब हमने आम पढ़ते थे कि भाई शरीर में 206 हड्डी होते हैं आज उस सब का पता लग गया कहाँ का है। पिलियन बैठ के ऐसा फील हो रहा है तो क्या बोलूं। पर ये जो चाय है ना जैसे हम जिम में प्री वर्कआउट लेते हैं ना बस ये वही काम साँच पास के लिए। इसमें इतना खतरनाक शुगर लेवल है कि आँख क्या बाल भी खड़ा हो गया। हाँ पानी पी के आ गया मजा।
This is the world's toughest road. And क्या मजा आ रहा है भाई, ऑफ रोड जाने के बाद और यहाँ से अपना छोटा चलाएगा। हाँ, are you going to sit behind? No, that. Again, okay. So guys, अभी मैं अपना हाईनेस का बिल्डर में बैठ गया हूँ, तो जो नाउन चला रहा अपना जो टैक्सी अपना जस्टिस कैमरे चला के आगे निकल रहा है। And look at the view guys, look at this view. हाँ, तो गाइस वापस मैं अपना वही तो भाई थोड़ा रात चला देते बोला। अभी काफ़ी हाई अल्टीट्यूड में और बाइक का परफॉर्मेंस एक नंबर है, आपको आरपीएम मेंटेन करना है बस, अब मेरे को आदत हो चुका है। एंड क्या सेक्सी व्यू है गाइस, सही में लाइफ का असली मज़ा टफेस्ट रोड में विद ऑल द एडवर्सिटीज, फर्स्ट टाइम राइडिंग ऑफ रोड और सबसे वर्ल्ड का सबसे ख़तरनाक रोड में चला रहा हूँ, ऑफ रोड में भी नहीं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम ऐसे जाके ऐसा जाने वाला हूँ। भाई क्या ही रोड है भाई, मजा आ गया। ठंडा हवा भाई, क्या ही ठंडा हवा आ रहा है, पूछो मत, पूरा मेरा जैकेट कार पर जा रहा हवा, इतना ठंडा। Look at the world's toughest road वाला, क्या ही सीन है भाई, लेट्स गो। थर्ड गियर में चल रहा अपना बाइक, सोचो भाई थर्ड गियर में चलता है इतना चढ़ाई में। ये पता ही नहीं चल रहा भाई, ये ऐसा ऐसा पत्थर पता नहीं चल रहा, अगर आप एक स्पीड में चलोगे ना दो जाएगा उल्टा पत्थर पता चलता, पता नहीं सस्पेंशन ऐसा है, ये बना है शायद फास्ट मूविंग के लिए, जब मैं फास्ट जाता हूँ मतलब नॉट वेरी फास्ट, ओके मीडियम स्पीड में जाता ना तो पता ही नहीं चलता पत्थर होगा सस्पेंशन ऐसा है ना, दो जाऊँगा पूरा पता चल जाता है।
ओ भाई मजा आ गया। ऑफ रोड करके लेट्स गो। यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे पूरा बर्फ ही बर्फ है। आप बर्फ से देख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप गए तो गए वो है हम तो जाना है बिल्कुल वो आगे। लुक एट दिस रोड है, क्या ये रोड है। देखो बंदे लोग ऊपर बर्फ में बैठे मजे से होगा। हाँ भाई तो अगर आप मुझे पर्सनली बोलोगे कि मैं इस टाइम क्या फील कर रहा हूँ, काफ़ी ठंडा है इधर, मेरा उंगलियाँ पूरा जम चुका है और गाड़ी आ रहा है पहले रोक लेता हूँ। ये है वहाँ पे मेरा उंगली पूरा ऑलमोस्ट सुन हो चुका है, इतना ठंड है यहाँ पे। ये पूरा दोनों राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों मेरा सुन है। तो भाई यहाँ पे काफ़ी सारे स्नो भर जाते तो स्नो क्लीनिंग के लिए यहाँ पे जेसीबी भी है। आज भी शांति तो जेसीबी पूरा स्नो साफ कर देते रोड के लिए, तो अच्छी बात है। और भाई आपका बाइक पहली बार क्या कहते हैं इतना टफ रोड में चला रहा है ऑफ रोड में, और बाइक में वहाँ पर इंजन गार्ड भी नहीं है कुछ भी नहीं है। गिरेगा तो बाइक का क्या कर रहा था, बट टच वुड अभी तक बाइक गिरा नहीं है। एंड होपफुली पूरा सफर में ना गिरे। और नेक्स्ट कांगड़ा जाके मैं सबसे पहले यही करना चाहिए बाइक का गार्ड, इंजन गार्ड लगाना बाइक में। और उससे बाइक अगर गिर भी गया तो बच जाता है। तो जल्दी जल्दी में हमने नहीं किया कुछ, देख सकते हैं वाटर पार्क। ओ भाई टायर बहुत अच्छे कर रहे हैं। आज अ फर्स्ट टाइम और आई थिंक आई एम डूइंग ग्रेट। तो बाद में अपना छोटे से पूछेंगे कि फर्स्ट टाइम मेरे लिए मैंने कैसा चलाया हिमाचल में। बिल्कुल आदत नहीं गई, बिल्कुल फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। और उसने भी अभी तक अपना भाई बिल्कुल हीरो जैसा चला रहे हीरो। वो माई गॉड लुक एट दिस व्यू, दोनों तरफ क्या कहते हैं 12 इंच का बर्फ भाई। आपको होपफुली पूरा दिख रहा होगा, तो ये मेरा ड्रीम है गाइस, दोनों साइड बर्फ बीच में अपना बाइक। चलो जी जब बंदे दे। तो गाइस लुक नीचे गिर रहा सीधा भाई। ओह माय गॉड कहाँ से डरावना है ये रोड। नीचे बिल्कुल सीधा भाई, सीधा भाई, बिल्कुल सीधा भाई। मेरे पास हिम्मत भी नहीं है कि मैं दिखा पाऊँ आपको। आप फर्स्ट गियर में चलाइए क्लच में। ये पूरा आई से ब्लैक आई कह सकते हैं आप, जब मैं पहली बार चला रहा हूँ। ओ भाई 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 मज़ा आ गया ब्लैक एट चला के। एंड लुक एट दिस, ये है अपना पानी क्या ही, बर्फ का पानी पिघला हुआ। लुक एट दिस क्या ब्यूटीफुल है। और बस हम पहुंच गए आस पास
एकदम बिल्कुल साथ बात करेंगे हम लोग। हेलो गाइस, सो फाइनली हम लोग पहुंच गए साचवास में और ये अपना भोलेनाथ का मंदिर और ये है माउंट कैलाश। और पहली बार इतना खतरनाक ऑफ रोड किया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, यार बाइक ने धोखा नहीं दिया एक बार भी, मजा आ गया। माउंट कैलाश सो गाइस हम लोग साचवास पहुंच गए। साचवास इज 4,500 मीटर्स अबव द सी लेवल और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट रोड है। और एक और रोड है खारदुंगा, वहाँ पे भी आप जाना, मेरा ड्रीम है तो नेक्स्ट राइड खारदुंगा जाने का प्लान होगा, बट उसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा छुट्टी लेना पड़ेगा वो है। और ये अपना शिव जी का, महादेव का मंदिर, तो हम चलते हुए ऊपर। Look at the view. चलो चचो। नौ इंच छा के दुकान में निम गया थे। ओ भाई गॉड, बर्फ में पांव गिल्ला हो जाएगा लग रहा है। हां वही तो। सो गाइस अभी हम यहां पे अपना स्नैक्स खाते हुए, लंच करते हुए, इतना ऑफ रोड करके सबको भूख लग गया है। एंड दिस इज आवर फूड, ऑमलेट आई मीन बॉइल्ड अंडा। और किस रोड है? किस रोड? बस ये हिमाचल का स्पेशल जंगली सब्जी और ये चटनी ऑर्गेनिक है यार। और चटनी इधर भी डाल दो नीचे भी, बिना चटनी का मज़ा नहीं आएगा। बस 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 चटनी से पेट खराब हो जाए लेकिन खाएंगे जरूर, मजा आना चाहिए वाला। अरे तो आपको खा के मिलता हूँ, दवा के हूँ। तो गाइस अभी हम लोग ने यहाँ पे नाश्ता खा लिया है, आई मीन स्नैक्स खा लिया, खाना खा लिया, रोटी और किस रोड एंड वॉल्ड एग। और ये देखो भाई बर्फ बर्फ में चल रहा है आपका भाई, भाई बड़ा फिसलने का डर है तो आपको आराम से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको भी बर्फ का मज़ा दिखाऊँ। वहाँ दर्शन ले लिया हमने और दर्शन लेके अभी हम थोड़ा ऊंचाई में जाते हुए, किधर आपको बताता हूँ, इस पत्थर के पीछे जाने वाले हैं हम। तो अभी हम चढ़ाई करते हुए, मेरा स्पोर्ट्स शूज है तो काफ़ी मुश्किल रहेगा ये, आपको अपना पाँव को अच्छा से क्या कहते हैं ग्रिप बना के चलना है, वरना तो भाई इसलोगे आप फ्री का राइड मिल जाएगा आपको नीचे का। सो गाइस काफ़ी डेंजरस है ये, मतलब फुल स्लिपरी है, चलो तो चल रहा है। ओ भाई मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ, जिसमें गैप है दो छेद में। सो गाइस फाइनली हम लोग ने चढ़ाई कर लिया और यहाँ पे हवा इतना ज्यादा, पूछो मत, मेरा पूरा हाथ लग सुन हो चुका है, फिंगर्स पूरा सुन हो गया है। और ये है मेरे सामने है यहाँ पे भूत का ग्राउंड, इसे कहते हैं भूत ग्राउंड। तो वहाँ पे काफ़ी मस्त है यार, स्केट बोर्ड वैसे जाने का मन कर रहा है, मतलब स्की होगा तो सही सीधा जाओगे बंदा, बट ये काफ़ी डेंजरस प्लेस है बोलते हैं। तो वो है आपको यहाँ पे नहीं जाने चाहिए, रोड आपका ऊपर से जाता है अगर आप जाएंगे तो, इसको भूत ग्राउंड फेमस है क्योंकि यहाँ पर रात को शाम को आके भूत लोग नाचते हैं, तो इसीलिए और हमारे यहाँ पर बोल दिया।
बैठ गया हूँ ना, उतरने में थोड़ा तकलीफ होगा। हमने सांच पास को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, वी आर हेडिंग बैक और अभी बस बाइक घुमा के निकलते हैं नीचे को, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है। अभी धूप है तो थोड़ी देर में बारिश भी आ जाएगी। कैसा अपना बाइक उतना ही कैसा चलता, सो गाइस अभी हम लोग हिमालयन में आ रहे थे और मैं पिलियन बैठा था हिमालयन का और हिमालयन का जो हेडलाइट है दो बार लूज हो गया, तो हमने थोड़ा टाइट करने का कोशिश किया बट और थोड़ा आगे गया तो स्क्रू गिर गया, मतलब अब उसके बाद तो ऐसा था कि अब ये टाइट ही नहीं होगा। फिर हमने उसका हेडलाइट को तिगड़म करके बड़ा मुश्किल से निकाला, अब निकाल के वो हेडलाइट अपना बैग में है। दिस इज आवर हिमालयन हेडलाइट, अपना हेडलाइट है और हिमालयन का हाथ आपको दिखाता हूँ। ये अपना बाइक है, तो ऑफ रोड में एडवेंचर तो हो ही गया वहाँ। लेट्स गो। सो ये था मेरा सांच पास का छोटा सा जर्नी, और अगर आपको इसी तरह और भी सारे वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू गाइस लेटर, टिल देन अडियोस अमिगोज़।